अगर आप छापना शुरू कर दोगे तो आप छापते ही रहोगे उसका कोई अंत नहीं है उसने मुझे पहली बार स्क्रिप्ट मिली कि मैंने कहा ये क्या ये भाषा मुझे नहीं आती मुझे उस टाइम लगा नहीं नहीं किंग कोई नहीं है वो मेरे लिए भी मेरे दिल में भी क्योंकि आई लव यू वो ऐसा नहीं लगा मुझे शायद का पूरा स्टार है मुझे लगा अरे शायद है अपना शायद है यू नो ही इज़ सो गुड लुकिंग यू नो लाइक ही इज़ लाइक दिस क्विंटिसेंशल हीरो उनके साथ तो फुल कमर्शियल करनी है मुझे उनके साथ मुझे डांस करना है उनके साथ मुझे गाना गाना है हाय नमस्ते मैं हूं अंबिका सिंह आपकी होस्ट और दोस्त सो so, स्वागत है आपका बॉलीवुड नाउ में आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बहुत ही खूबसूरत और वर्सेटाइल एक्ट्रेस राशि खन्ना हाय राशि थैंक यू वेलकम टू बॉलीवुड नाउ सो कैसे हैं आप मैं बहुत अच्छी आप कैसे हो बस बढ़िया सो <laughs> so, uh, राशि सबसे पहले तो uh, 2013 में मद्रास कैफे उसके बाद रुद्र और अब फर्जी में लाइक like, ब्लॉकबस्टर हो गई है सो so, कभी सोचा था आपने ऐसे इतना प्यार मिलेगा देखिए मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर आक, बनूंगी और जब मैं बनी तो मैंने जी जान उसमें लगा दी आ, ये नहीं सोचा था कि यू you नो know, इतने लेवल पे पॉपुलैरिटी uh, मिलेगी या इतने लोगों के दिलों में जगह मिलेगी बट आई थिंक फर्जी के बाद तो बहुत लोगों ने सराहा है उनको बहुत पसंद आई है मेका तो बहुत खुशी है इस बात की एंड आई थिंक एज एन एक्टर हम यही चाहते हैं कि यू you नो know, लोग हमें पसंद करें uh, फर्जी के साथ वो हुआ है तो बहुत ही खुश हूँ जी मूवी में आपने मेघा का कैरेक्टर प्ले किया है जो लाइक हम मैंने भी देखा है सो जो हमेशा हर एक एंगल को पहले ग्रे ग्रे एंगल से देखती है सो रियल लाइफ में कितना आप उसे रिलेट करते हो खुद को देखिए रियल लाइफ में मुझे लगता है सभी ग्रे होते हैं कोई भी ब्लैक और वाइट नहीं होता है हर एक का सर्कमस्टेंस अलग होता है इसलिए वो एक तरह के होते हैं और एज एन एक्टर आई थिंक हम लोग यही सीखते हैं जब हम एक किरदार निभाते हैं कि अगर वो हमसे अलग भी है तो वो कौन से सर्कम्स्टेंसेज से आया है मेघा uh, से मैंने बहुत रिलेट किया क्योंकि और हर लड़की करेगी क्योंकि एक प्रोफेशनल स्पेस में हर लड़की को वो सब चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपने स्किल को प्रूव करना पड़ता है ताकि लोग उन्हें सीरियसली लें और मेघा भी यही करती है और मेघा बहुत ही गो गेटर टाइप की है जो मैं लाइफ में नहीं हूँ मतलब मैं हार्डवर्क में बिलीव करती हूँ लेकिन आई एम मोर लाइक अगर होना होगा तो हो जाएगा और मेघा ऐसी है कि मुझे चाहिए तो चाहिए यू नो सो उसके एम्बिशन से मैंने बहुत कुछ सीखा uh, लेकिन वो मुझे थोड़ी सी अलग है जी यस yes, आई की रेटिंग की बात करें तो उसमें आपने आसार, आसार के को विजय सेतुपति सर को सबको पीछे छोड़ दिया है ये लोगों का प्यार है और आई ऑल्सो फील कि ये एक फेज है मुझे उस टाइम लगा नहीं नहीं किंग कोई नहीं है वो मेरे लिए भी मेरे दिल में भी क्योंकि आई लव हिम एंड आई फील मेरे लिए ऑफकोर्स एक बहुत बड़ी बात थी टू इवन बी देर कुछ दिन के लिए सही तो आ, मुझे बहुत खुशी हुई उस बात की मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था लेकिन आ, बहुत खुशी हुई कि लोगों को इतनी पसंद आई मैं कि पॉपुलैरिटी में इतना हाई चले गए चार्ट्स पे आई जस्ट होप कि आगे भी वो थोड़ा बरकरार रहे तो मैं पूरी मेहनत करना चाहती हूँ और मैं पूरा यू नो you know, अपनी जी जान लगाना चाहती हूँ कि लो, लोगों का प्यार कभी ख़त्म ना हो सो so, मूवी में देखा गया है कि नकली नोट्स का जो हेर फेर दिखाया गया तो बिकॉज रियल लाइफ में मेरा भी पाला पड़ा है नकली नोट से तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि हाँ नकली नोट से देखिए एक बार मेरे पापा के बंडल आया था एक बैंक से जिसके अंदर एक नकली नोट था उनको पता चल गया ये तो नकली है और उन्होंने जाके रिपोर्ट किया कि ये नकली नोट है पर मुझे लगता है कि ऐसा राज सर ने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि एक नोट चार नोटों में नकली है हमें पता नहीं होता Uh, और लोग डरते हैं रिपोर्ट करने में कि कहीं उनसे ले ना लिया जाए छीन ना ले, ले कोई लेकिन रिपोर्ट करना चाहिए क्योंकि हमें जानना है कि हमारी करेंसी के साथ क्या हो रहा है यू you नो know, कोई मिस तो नहीं कर रहा है और आई थिंक फर्जी के बाद बहुत लोगों को वो अंडरस्टैंडिंग है या इवन इंटरेस्ट है कि हमें पता चले कि असली है कि फ़र्ज़ी तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है फर्जी के बाद सो so, अगर आपको रियल लाइफ में अगर मौका मिले नकली नोट छापने का तो कितना छापेंगे और उसका वो पैसों का करेंगे देखिए पैसों का तो अंतिम ही है अगर आप छापना शुरू कर दोगे तो आप छापते ही रहोगे उसका कोई अंत नहीं है फिर लालच का कोई अंत ही नहीं होता है वो अभी आपको इतने चाहिए फिर आपको उतने चाहिए फिर आपको तो वो तो लालच का भी खत्म ही नहीं होगा जी सो so, uh, uh, शायद के साथ आपने जैसे मिले कि बिकॉज आपने जैसे कहा कि आप बहुत ही स्टेबल टाइप के इंसान हो जो सो so वहाँ पे कॉन्वर्सेशन पहले किसने स्टार्ट किया था पहले देखिए मैं तो हमेशा नर्वस हो जाती हूँ मुझे समझ ही नहीं आती क्या बोलनी है क्या बोलना है मैं क्या बोलूँ uh, लेकिन शायद बहुत ही स्वीट थे वो मुझसे मिले जब पहली बार तो उन्होंने बोला अरे तूने इतनी फिल्में करी हैं साउथ में एंड यू हेट सीन सम ऑफ समम ऑल्सो एंड ही सेट कितनी एक्साइटेड है तू फर्जी के लिए यू नो हाउ डू यू सी योर कैरेक्टर देन ही स्पोक अबाउट माई लाइफ मेरा बचपन कैसा था मैं कौन से कॉलेज में पली बड़ी उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में मुझे बताया तो एक बॉन्ड फॉर्म हुआ वहाँ पे जहाँ पे बड़ा दोस्त जैसा लगा वो ऐसा नहीं लगा मुझे शायद कपूर स्टार है वो मुझे लगा अरे शायद है अपना शायद है यू नो सो दैट दैट इज़ समथिंग आई गिव हिम फुल क्रेडिट फॉर मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो मुझसे ज्यादा सीनियर है मुझसे ज्यादा बेहतर है वो हैं आई थिंक ही ट्रीटेड मी लाइक एन इक्वल एंड वो बहुत ही अच्छी एक uh, खूबी है शायद आई मीन uh, I mean, वो लोगों को बहुत कम्फर्टेबल फील कराता है मेघा जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ही स्टेबल करके रखी है सो रियल लाइफ में राशि कितना अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को देखिए मेरी पर्सनल लाइफ बिल्कुल पर्सनल है और मेरी प्रोफेशनल लाइफ लोगों के लिए है तो ऑब्वियसली so, हम काम ही लोगों के लिए करते हैं तो वो देखेंगे वो अपना ओपिनियन देंगे हम उनके लिए ही काम करते हैं लेकिन पर्सनल लाइफ बहुत ही पर्सनल है तो आप चाह के भी अगर चाहें कुछ मिलेगा नहीं उस पर मेरी पर्सनल लाइफ पे बिकॉज वो मेरे मेरी पर्सनल साइड है जी सो so, इतना दमदार कैरेक्टर ऑलरेडी आपने प्ले कर दिया है सो so, आगे आप कैसा कैरेक्टर करना चाहती हैं देखिए अभी थोड़ा प्रेशर बढ़ गया है तो आई मीन I mean, वैसे भी मैं प्रेशर लेके ही चलती हूँ कि कुछ अच्छा ही करना है अब जो योद्धा रिलीज़ होगी सेवन्थ जुलाई को उसमें भी मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किरदार है आ, एक गवर्नमेंट ऑफिशल है वो भी तो जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये ठीक किया राशि ने आ, तो आई थिंक वो डिसीजन एक अच्छा डिसीजन है मुझे ऐसा लगता है उसके बाद भी अभी भी जो स्क्रिप्ट्स आ रही हैं वो अच्छे किरदार ही आ रहे हैं तो आई थिंक एज एन एक्टर मेरे लिए ये टाइम बहुत अच्छा है आई फील यस सो मोस्टली आपका जो करियर ग्राफ देखा गया है वो हिंदी से ज़्यादा साउथ मूवीज़ में ज़्यादा देखा गया है so, सो uh, आप कैसा देखते हो मतलब आप कहाँ पे ज़्यादा कम्फर्टेबल हो लाइक like, देखिए अब तो मैं साउथ में भी कम्फर्टेबल हूँ क्योंकि मैंने भाषा सीख ली तो uh, पहले इनिशियली ऑफकोर्स हिंदी मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती थी अब मुझे तेलुगु तमिल भी कम्फर्टेबल लगते हैं बट ऑफकोर्स हिंदी इसलिए क्योंकि वो मेरी मेरी खुद की भाषा है यू नो इट कम्स वेरी इजिली उसकी स्लैंग उसका सब कुछ मुझे बहुत ईजिली आता है तो हिंदी थोड़ी सी ज़्यादा कम्फर्टेबल हूँ तमिल तेलुगु में भी कम्फर्टेबल सो एज यू सेट कि आपने लैंग्वेज सीख लिया तो कितनी लैंग्वेज आपने अभी तक सीखा है देखिए तमिल तेलुगु मुझे अच्छे से आती हैं मलयालम मुझे समझ आ जाती है इंग्लिश हिंदी आती है तो पाँच लैंग्वेजेज हो गई तो so, ये जो तेलुगु और मलयालम ये पहले आपको कुछ आइडिया था लैंग्वेज के बारे में या फिर इंडस्ट्री में जाने के बाद ही आपने इट्स लाइक like अगर मैं आपको अभी स्क्रिप्ट दे दूँ जर्नलिस्ट आप हैं आप मुझे स्क्रिप्ट दे दूँ मैं बोलूँ तेलुगु है तो आप जैसे बुखला जाएंगी मैं वैसे बुखलाऊंगी जब मुझे पहली बार स्क्रिप्ट मिली कि मैंने कहा ये क्या ये भाषा मुझे नहीं आती लेकिन आई थिंक मैंने वो एज अ चैलेंज लिया और जब तक आप भाषा नहीं सीखते तो आप लोगों के दिलों में उतर ही नहीं सकते तो मुझे लगा दिस इज द ओनली वे आई कैन कनेक्ट टू दैम इसलिए मैंने मेहनत करी मैंने भाषा सीखी मैंने उसमें गाने भी गाए तो आई थिंक आई कनेक्टेड टू द ऑडियंस अ लॉट वेल अगर आपको मौका मिलता है और भी बिकॉज आपने बॉलीवुड में तो आप ऑलरेडी धमाल मचाई रहे हो सो so, अगर आपको मौका मिलता है कार्तिक आर्यन के साथ मूवी करने का सो so, कैसी मूवी करना पसंद करेंगे आप आई थिंक उनके साथ मैं एक uh, मे बी एन इंटेंस लव स्टोरी वेर इट्स नॉट फनी यू नो लाइक नॉट अ कॉमेडी फन जोर काइंड ऑफ फिल्म बट लाइक अ वेरी इंटेंस फिल्म लाइक एन आशिकी यू नो दैट फिल्म आई थिंक इट विल बी वेरी नाइस बिकॉज आई लव रोमांटिक फिल्म और मेरी एक फिल्म आई थी थोली प्रेमा जो लोगों को बहुत पसंद आई थी तो उनको बहुत पसंद आती हूँ मैं लव स्टोरीज में तो आई थिंक मेरे लिए भी शायद एक आशिकी टाइप ऑफ रोल वेर इफ आई है चांस टू वर्क विद रणवीर सिंह रणवीर सिंह के साथ एक्चुअली वो तो किसी भी तरह का किरदार निभा थे <laughs> तो आई थिंक ऐसा कोई किरदार जो उन्होंने अभी तक नहीं किया होगा और मैंने शायद अभी तक नहीं किया होगा मे बी सम मे बी सम लाइक वे वे आर वॉरियर्स लाइक बाहुबली काइंड ऑफ फिल्म वॉट अबाउट रणबीर कपूर ये सब अब इतने अच्छे नाम ले रहे हैं आई थिंक रणबीर के साथ uh, uh, मैंने बर्फी देखी थी जो मुझे उनका काम बहुत पसंद आया था तो समथिंग दैट इज़ आउट ऑफ द बॉक्स बट ऑल्सो इमोशनल ओके सो अगर लास्ट में नाम लेना चाहे सलमान खान का उनके साथ तो फुल कमर्शियल करनी है मुझे उनके साथ मुझे डांस करना है उनके साथ मुझे गाना गाना है यू नो इट्स सो आई आई हैव फन विद हिम एंड थिंक बी बिकॉज ही सलमान खान यू नो लाइक ग्रोना वॉचिंगज फिल्म एंड ही सो गुड लुकिंग यू नो दैट हीज लाइक दिस क्वेंटिसेंशियल हीरो हर किसी का कोई मतलब फैन होता है सो so आपका शाहरुख खान सो लास्ट टू योर फैंस आई थिंक बहुत प्यार आपने दिया है और आई होप आप देते रहे एंड आई होप मैं कभी आपको डिसअपॉइंट ना करूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव थैंक यू सो मच राशि फॉर बीइंग विद अस एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम सो गाइस आप भी हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा कि आपको राशि को किस कैरेक्टर में देखना है और क्या मतलब कैसा कैरेक्टर देखना है उनका सारी डिटेल्स आप हमें कमेंट सेशन में बताना हम जरूर राशि तक पहुँचाएंगे ताकि राखी आपको उस कैरेक्टर में दिखे सो so, विनय पांडे के साथ अंबिका सिंह बॉलीवुड नाउ